अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम्स। वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास फ्रॉम द एजुकेटर्स अनाबत कैंपस। आई एम योर टीचर मिस रिमशा फ्रॉम क्लास वन। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर इंग्लिश लेक्चर। दिस वीडियो इज़ मेड फॉर योर कन्वीनियंस, इज़ मेड फॉर योर ईज। विद दिस वीडियो यू कैन ईजीली कम्प्लीट योर समर पैक ऑफ इंग्लिश। बच्चों, ये वीडियो आपके आसानी के लिए बनाई है। इसे देख के आप इजीली इंग्लिश की जो समर पैक है वो कंप्लीट कर सकते हैं। सो एज़ यू नो, दिस इज़ द फ्रंट ऑफ योर समर पैक। सो क्लास, नाउ ओपन योर समर पैक एंड ओपन योर सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश, कम्युनिकेशंस स्किल इंग्लिश। दिस इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ योर इंग्लिश समर पैक। बच्चों, समर पैक में आपने इंग्लिश के सब्जेक्ट को ओपन करना है और ये फर्स्ट पेज है आपके इंग्लिश का। लेट्स स्टार्ट डूइंग योर इंग्लिश समर पैक। दिस इज़ द टेबल ऑफ कंटेंट्स। बच्चों, टेबल ऑफ कंटेंट पे आपको पेज नंबर मेंशन होते हैं। एंड कम टू आवर एक्टिविटी नंबर वन। योर एक्टिविटी नंबर वन इज़, सो क्लास, इन दिस एक्टिविटी यू हैव टू राइट ए बी सी, अल्फ़ाबेट ए टू सी इन योर करेक्ट फॉर्मेशन। यानी कि बच्चों, आपने यहाँ पे ए बी सी राइट करनी है, लेकिन करेक्ट फॉर्मेशन के साथ, इसकी बनावट ठीक से वर्ड्स की करनी है। लाइक बच्चों, एग्जांपल ये है कि आपको फर्स्ट लाइन पे ए बी सी राइट की है, सेकंड लाइन आपके लिए ब्लैंक छोड़ी है, यहाँ पे आपने इसको कॉपी करके राइट करना है। लाइक आपने इस बात का ध्यान रखना है कि फर्स्ट थ्री लाइंस पे कौन सा लेटर जा रहा है, मिड टू लाइंस पे कौन सा और लास्ट लाइन पे कौन सा जा रहा है, आपने उस लाइन को टच लाजमी करना है। लाइक बच्चों, फर्स्ट थ्री लाइन पे ए है, आपने अच्छे से ए राइट करना है, फिर स्मॉल ए, फिर कैपिटल बी, स्मॉल बी। इसी तरह बच्चों, आपने पूरी इंग्लिश ए बी सी को, लेटर ए टू जी को कंप्लीट करना है और फॉर्मेशन का लाजमी ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, आपके आसानी के लिए ऊपर राइट किए हुए हैं अल्फ़ाबेट्स, आपने उसको देखते हुए बिल्कुल उसको कॉपी करना है। लाइक बच्चों, ये डब्ल्यू जैसे राइट है, ये फर्स्ट लाइन पर टच किया गया है, फिर फर्स्ट थ्री लाइन पर इसकी फॉर्मेशन बनाई है और अच्छे से इसकी इसको राइट किया है, आपने भी बिल्कुल इसी तरह करना है। एंड एट द एंड यू हैव टू राइट योर नेम एंड एज। बच्चों, आपने लास्ट में अपना नेम राइट करना है, फुल नेम राइट करना है, एंड देन आप कितने साल के हो, आपने अपनी एज राइट करनी है। यू हैव टू राइट योर एज। ओके क्लास, सो नाउ मूव टू आवर एक्टिविटी नंबर टू। सो क्लास, एक्टिविटी नंबर टू में क्या है, री राइट द सेंटेंस एंड री राइट द सेंटेंस ऑन गिवन लाइन्स यूजिंग कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप। यानी कि बच्चों, ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं, ये आपने इसको करेक्ट करना है कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप ऐड करके। यानी कि बच्चों, आपको पता है अ सेंटेंस बिगिन विद द कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद द फुल स्टॉप। यानी कि जो सेंटेंस होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है और फुल स्टॉप पे एंड होता है। बच्चों, आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर इन सेंटेंस में किसी का नेम आ जाता है तो वो भी आपने, नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस एंड थिंग, वो भी आपने कैपिटल लेटर में लिखना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग अवर वर्कशीट नंबर टू। फर्स्ट सेंटेंस इज, निदा इज़ अ गुड गर्ल ऑफ माई क्लास। सो क्लास, निदा, यू हैव टू कैपिटलाइज द लेटर एन, क्योंकि एन फर्स्ट लेटर है तो बच्चों इसको कैपिटल करना है, निदा। सेंटेंस आपने सारा सेम इसी लाइन पे राइट करना है, लेकिन आपने कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप ऐड करना है। ठीक है, निदा इज़ अ गुड गर्ल ऑफ माई क्लास। तो बच्चों, लास्ट में आपने फुल स्टॉप ऐड करके यहाँ पे सेंटेंस को री राइट करना है। ओके, करेक्ट करके राइट करना है। सेकेंड क्वेश्चन है, वी आर गोइंग टू द पार्क फॉर जॉगिंग। इसमें भी आपने वी का W कैपिटलाइज करना है और लास्ट में फुल स्टॉप ऐड कर देना है। थर्ड क्वेश्चन इज, अली वेंट टू द म्यूजियम ऑन सैटरडे। ओके, इसमें भी आपने अली नेम है और सैटरडे का एस, सैटरडे इज़ द डे ऑफ वीक, तो आपने अली का ए कैपिटलाइज करना है और सैटरडे का एस एंड देन फुल स्टॉप। इसको आपने करेक्ट करके यहाँ पे री राइट करना है। क्वेश्चन फोर इज, चिल्ड्रन आर वॉकिंग टू द स्कूल। चिल्ड्रन का जो फर्स्ट लेटर है उसको आपने कैपिटलाइज करना है एंड वॉकिंग टू द स्कूल, और लास्ट में आपने फुल स्टॉप ऐड कर देना। ओके, क्वेश्चन नंबर फाइव इज, सारा एंड अहमद स्टडी इन द सेम स्कूल। इसमें भी बच्चों, सारा इज़ द नेम एंड अहमद आल्सो अ नेम, सो एस और ए, सारा का एस और अहमद का ए आपने कैपिटलाइज करना है एंड देन लास्ट में फुल स्टॉप आपने पुट कर देना। ओके,
क्वेश्चन नंबर सिक्स इज आई सा अ बिग रेड कार ऑन द रोड. बच्चों आपने आई कैपिटलाइज करना है, लास्ट में फुल स्टॉप पुट कर देना. ओके, क्वेश्चन नंबर सेवन इज माई टीचर इज ऑलवेज वेरी काइंड विद मी. सो बच्चों आपने यहाँ पे माई का एम कैपिटलाइज करना है और फुल स्टॉप राइट कर देना है. एट क्वेश्चन इज यू शुड नॉट एंटर इन द क्लासरूम विदाउट परमिशन. ओके, इस सेंटेंस को भी आप कैसे करेक्ट करोगे, फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज करके और लास्ट में फुल स्टॉप पुट करके. यहाँ पे सारे सेंटेंस बच्चों आपने रीराइट करने हैं, इनको करेक्ट करके कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप ऐड करके. ओके, नाउ मूव टू आवर एक्टिविटी नंबर थ्री. योर एक्टिविटी नंबर थ्री इज अबाउट योर पिक्चर डिस्क्रिप्शन. योर क्वेश्चन इज लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड राइट सेंटेंस अबाउट इट. यूज़ द वर्ड्स गिवन बिलो. यानी कि बच्चों आपने पिक्चर को ध्यान से देखना है और इन वर्ड्स को, वर्ड्स कौन से हैं, रीडिंग, सिटिंग, क्लासरूम, चिल्ड्रन एंड राइटिंग, इन वर्ड्स को ध्यान से देखते हुए आपने इनके छोटे छोटे से सेंटेंस बनाने हैं. इस पिक्चर को देखना है और इन वर्ड्स को यूज़ करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. कोई भी बच्चों आप सेंटेंस राइट कर देते हो, लाइक फर्स्ट सेंटेंस हम बनाएंगे पिक्चर को देखते हुए. स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लासरूम. बच्चे क्लासरूम है तो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, तो हमने यहाँ से कौन से वर्ड्स पिक किए, स्टूडेंट्स आर सिटिंग. यस, सिटिंग पिक कर लिया हमने एंड क्लासरूम पिक कर लिया, तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लासरूम. फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया. सेकेंड लाइन हम राइट करेंगे द चिल्ड्रन आर रीडिंग द बुक्स. बच्चे किताबें पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे रीडिंग भी हमने पुट कर दिया इसमें सेंटेंस में, अपने चिल्ड्रन भी कर दिया. ओके, तो द चिल्ड्रन आर रीडिंग द बुक्स. लास्ट में हम बनाएंगे राइटिंग, हमारा वर्ड रह गया है. अ गर्ल इज़ राइटिंग ऑन हर नोटबुक. ठीक है, वो अपनी नोटबुक पे लिख रही है. सो बच्चों हमने थ्री सेंटेंस बनाए हैं. कौन कौन से हैं वो, फर्स्ट हमारा है स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लासरूम, सेकेंड इज़ द चिल्ड्रंस आर रीडिंग द बुक्स, एंड लास्ट इज़ अ गर्ल इज़ राइटिंग ऑन हर नोटबुक. ओके, सो हमने सिंपल से कुछ थ्री सेंटेंस बनाने हैं. आप खुद से भी इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए कुछ सिंपल सिंपल से ईजी से सेंटेंस बना सकते हैं. ओके, सो आवर एक्टिविटी नंबर इज़ कंप्लीट नाउ. सो मूव टू आवर एक्टिविटी नंबर फोर. बच्चों एक्टिविटी नंबर फोर बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग है. यूज़ द पेंसिल ऑन द डॉटेड पैटर्न एंड ट्रेस द डायरेक्शनल फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. यानी कि बच्चों आपने जस्ट इसको ट्रेस करना है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से स्टार्ट करना है और राइट पे फिनिश कर देना. ओके, जैसे ये लाइन स्ट्रेट है तो बच्चों आपने इसको ट्रेस करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. ओके, ये थोड़ी सी वेवी है तो इसको आपने बिल्कुल पेंसिल को डॉट के ऊपर रख के इसको ट्रेस करना है और अपनी वर्कशीट कंप्लीट करनी है. बहुत इंटरेस्टिंग और इजी सी वर्कशीट है. ओके क्लास, नाउ मूव टू आवर वर्कशीट नंबर फाइव और एक्टिविटी नंबर फाइव. एक्टिविटी नंबर फाइव इज़ रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन. बच्चों यहाँ पे आपने सिंपली ये जो छोटी सी स्टोरी है ये रीड आउट करनी है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो इसी से ही ढूंढ के आपने लगाने हैं. ओके, सो राइट, रीड आउट करते हैं स्टोरी. फर्स्ट ऑफ ऑल आमना हैज़ अ न्यू बाईसाइकिल. ठीक है, इट इज़ ब्राइट पिंक एंड शाइनी. किस कलर की है उसकी बाईसाइकिल, ब्राइट पिंक एंड शाइनी. इट वॉज़ अ गिफ्ट फ्रॉम हर अंकल. ये उसका गिफ्ट था उसके अंकल की तरफ से. किसने दिया था गिफ्ट, अंकल ने. ठीक है, ही हिड इट बिहाइंड अ बुश टू सरप्राइज हर. उसके अंकल ने उसको सरप्राइज करने के लिए कहाँ पे छुपाई थी साइकिल, यस झाड़ियों के पीछे. व्हेन आमना लुक्ड बिहाइंड द बुश एंड सॉ द बाइसाइकिल. जब उसने झाड़ियों के पीछे देखा और बाइसाइकिल को देखा, शी जम्प फॉर जॉय. वो खुशी से कूद पड़ी. जम्प्ड मीन्स कूदना. इट वॉज जस्ट व्हाट शी वॉन्ट. ये वो था जिसको चाहिए था, उसको बाइसाइकिल चाहिए थी ना, इसलिए वो देख के बहुत खुश हो गई. शी गेव हर अंकल अ बिग हग. उसने अपने अंकल को हग किया. शी लव्स हर न्यू बाइसाइकिल. उसको अपनी बाइसाइकिल बहुत पसंद है. एंड शी लव्स हर अंकल. उसको अपने अंकल भी बहुत अच्छे लगते हैं. ओके, सो क्लास ये छोटी सी स्टोरी, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी हम करेंगे. सो क्लास आपने बताना इसका आंसर कहाँ से हम ढूंढेंगे. क्वेश्चन नंबर वन इज़ व्हाट कलर इज़ द बाइसाइकिल. बच्चों ये तो हमें पता है, पिंक, ब्राइट पिंक एंड शाइनी, ब्राइट पिंक एंड शाइनी. सो क्लास हमने यहाँ पे
ब्राइट पिंक और शाइनी को राइट कर देना है, ब्राइट पिंक एंड शाइनी रीडिंग से उठाना है और यहाँ पे राइट कर देना है. क्वेश्चन नंबर टू इज हु वाज इट अ गिफ्ट फ्रॉम, किसकी तरफ से था गिफ्ट, फ्रॉम हर अंकल. सो क्लास यहाँ पे आपने राइट कर देना है फ्रॉम हर अंकल, स्टोरी से उठाना है आंसर और यहाँ पे राइट कर देना है. क्वेश्चन नंबर थ्री इज वेयर वॉज इट हिडन, कहाँ पे छुपाया था, येस बिहाइंड द बश, बिहाइंड द बश यहाँ पे राइट कर देना है, झाड़ियों के पीछे. व्हाट डिड आमना डू व्हेन शी सॉ द बाइसाइकिल, उसने जब बाइसाइकिल देखी थी उसने क्या किया था, येस शी जम्प्ड फॉर जॉय, वो खुशी से कूद पड़ी थी, उछल पड़ी थी. ओके क्लास, सो ये हमारे आंसर क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं. क्वेश्चन बी इज मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, बच्चों ये वर्ड्स हैं इसको मीनिंग्स के साथ मैच करना है. लाइक सरप्राइज किसके साथ मैच करेंगे, होल्ड क्लोज नो, वंडर येस, सरप्राइज वंडर, सरप्राइज मीन्स वंडर, जॉय को किससे करेंगे, येस प्लेजर एंड हग होल्ड क्लोज. ओके क्लास, सो हमने अपनी एक्टिविटी फाइव भी कंप्लीट कर ली, नाउ मूव टू आवर एक्टिविटी नंबर सिक्स. एक्टिविटी नंबर सिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, आपको करने में बहुत मज़ा आएगा. क्वेश्चन है हमारा फिल इन द इंफॉर्मेशन शीट अबाउट योर सेल्फ एंड कलर इट, बच्चों आपने ये इंफॉर्मेशन शीट है आपके बारे में, आपने ये कंप्लीट करनी है एंड देन कलर इट, इसको कलर करना है. फर्स्टली राइट योर नेम, माई नेम इज़ अपना फुल नेम यहाँ पे राइट करना है. आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, बच्चों यहाँ पे आपने लिखना है आप कितने ईयर्स ओल्ड हो, कितने साल के हो. आई एम फ्रॉम, आप कहाँ से हो, अपने सिटी नेम लिख देना है. व्हेन आई ग्रो अप, बच्चों जब आप बड़ा होना चाहते बड़े होगे तो आप क्या बनना चाहते हो, आपने यहाँ पे राइट करना है. दिस इज़ माई फैमिली, बच्चों यहाँ पे आप फैमिली पिक्चर भी लगा सकते हो, नेम भी राइट कर सकते हो. आगे है दिस ईयर आई वॉन्ट टू लर्न, इस साल में क्या सीखना चाहता हूँ वो आपने बताना है. एंड आई लाइक टू प्ले, आप क्या प्ले करना पसंद करते हो आपने अपने बारे में बताना है और एक्टिविटी सिक्स कंप्लीट करनी है. नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट एक्टिविटी, बच्चों नेक्स्ट एक्टिविटी वो है जो हमने पहले भी की हुई है. रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, बच्चों ये भी उसी तरह की है कि आपने पैसेज को रीड आउट करना है, उसी से रिलेटेड आंसर क्वेश्चन करने हैं. ओके सो मैम ने आपको पहले भी ऑलरेडी करवाई हुई है, इसकी वीडियो भी सेंड की हुई है, अगेन मैम आपको करवा देती हैं. फर्स्टली हमने पैसेज को रीड आउट करना है. सैली लव्स टू मेक केक्स, हर मदर हेल्प्स हर टू बेक द केक्स, शी लाइक्स टू मेक चॉकलेट केक्स द मोस्ट, शी मिक्स द बैटर एंड हर मदर पुट्स द केक इन द ओवन टू बेक, व्हेन द केक इज़ डन शी पुट्स द केक असाइड टू लेट इट कूल, शी लव्स टू बेक फॉर हर फैमिली एंड फ्रेंड्स. ओके यानी कि बच्चों साली को केक बनाना बहुत पसंद है, उसकी मदर उसकी केक बेक करने में हेल्प करती है. शी लाइक्स टू मेक केक चॉकलेट केक, उसको चॉकलेट केक बनाना पसंद है. उसकी जो मदर है वो बैटर को मिक्सअप करती है और मदर उसका केक ओवन में डालती हैं. जब केक कंप्लीट डन हो जाता है तो वो ठंडा होने के लिए साइड पे रख देती हैं और उसको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए बेकिंग करना बहुत पसंद है. ओके सो आपने क्वेश्चन को देखना है और पैसेज से आंसर लेने हैं. लाइक योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज सैली लव्स टू बेक, इसका आंसर है शी लाइक्स टू मेक चॉकलेट केक, उसको चॉकलेट केक बनाना बहुत पसंद है. ओके सेकेंड क्वेश्चन इज हु हेल्प सैली, कौन मदद करता था सैली की बेकिंग में, हर मदर. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डज सैली मदर डू आफ्टर द बैटर इज मिक्स्ड, क्या जब वो बैटर मिक्स कर लेती थी तो सैली की मदर क्या करती थी, हर मदर पुट्स द केक इन द ओवन टू बेक, उसकी मदर बेकिंग के लिए केक को ओवन में रख देती थी. ओके क्वेश्चन फोर इज व्हाट डज सैली डू व्हेन द केक इज डन, क्या करती थी सैली जब केक कंप्लीट हो जाता था, डन हो जाता था, शी पुट्स द केक असाइड टू लेट इट कूल, वो साइड पे रख देती थी ठंडा होने के लिए. ओके क्लास, इसी से रिलेटेड इस पैसेज से ही रिलेटेड बच्चों क्वेश्चन बी है हमारा, मेक सेंटेंस विद फॉलोइंग वर्ड्स बेक, बच्चों बेक का भी आप बना सकते हो. लाइक सैली लव्स टू बेक और कूल, इट इज़ अ कूल वेदर, कुछ भी मतलब बच्चों आप सेंटेंस खुद से राइट कर सकते हो ईजी से. लास्ट है बच्चों मैचिंग है, आपने मैचिंग करेक्ट वर्ड्स को करेक्ट मीनिंग के साथ करना है. लाइक बच्चों मिक्स का हम क्या करेंगे, बच्चों यहाँ मैम ने आपकी आसानी के लिए सेंटेंस भी बनाए हुए हैं, सैली लव्स टू बेक एंड कूल, इट इज़ वेरी कूल वेदर. ओके मैचिंग है बच्चों हमारी, हमने वर्ड्स को राइट मीनिंग के साथ मैच करना है. लाइक मिक्स मीन्स कंबाइन एंड असाइड मीन्स टू वन साइड. ओके क्लास, सो योर एक्टिविटी नंबर
8. So class, now move to our activity number 8. Activity number 8 is about your favorite toy. बच्चों हमने पहले भी favorite toy से related lines की हुई हैं. आज भी वही activity है. Draw a picture of your favorite toy. बच्चों आपने अपने favorite toy की picture draw करनी है. बच्चों आपने इस एक्टिविटी में करना ये है, यू हैव टू ड्रॉ योर फेवरेट टॉय, द पिक्चर ऑफ योर फेवरेट टॉय. लाइक आप बॉल भी ड्रॉ कर सकते हो, कार भी कर सकते हो, कोई डॉल भी कर सकते हो. ओके, एंड देन राइट अ फ्यू लाइंस अबाउट योर फेवरेट टॉय. इसी से रिलेटेड आपने कोई सी भी 3 लाइंस ईजी सी खुद से राइट कर लेनी है. ओके, लाइक मैम ने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर राइट किया है, लाइन्स राइट किया है. माई फेवरेट टॉय इज कार, डॉल, वट एवर यू लाइक. इट्स कलर इज़ रेड, कलर राइट कर सकते हैं. एंड देन आई कीप दिस टॉय ऑन माई शेल्फ, ये भी राइट कर सकते हैं. और आप ये भी लिख सकते हैं, आई लाइक इट वेरी मच. सो क्लास, ये एक्टिविटी भी हमारी कम्प्लीट हो गई है. आप सब बच्चे ने अपनी इंग्लिश की समर पैक पे ये कम्प्लीट करनी है. नाउ मूव टू आवर लास्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 9. ओके क्लास, योर क्वेश्चन इज राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग स्क्रिप्ट फ्रॉम ए टू जी. यानी कि बच्चों जैसे कि मैथ्स में हमारे मिसिंग नंबर्स थे, यहाँ पे बच्चों इंग्लिश में आपने लिखने हैं मिसिंग लेटर्स. ए टू जी सबको ए बी सी आती है ना, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी है. तो बच्चों यहाँ पे स्मॉल ए बी सी लिखी हुई है, आपने फॉर्मेशन का ध्यान रखते हुए मिसिंग लेटर्स को कंप्लीट करना है. लाइक ए बी एंड देन सी, मिड टू लाइंस पे आपने सी राइट कर देना है. ए बी सी डी ई एफ, बच्चों यहाँ पे आपने एफ राइट कर देना है. अपनी फॉर्मेशन का अच्छे से ध्यान रखना है. और ये जो स्मॉल ए बी सी है, ए टू जी, आप सब बच्चों ने कंप्लीट करनी है. ओके क्लास, नाउ होप यू अंडरस्टैंड अबाउट टुडेज लेक्चर एंड होप यू ऑल आर एबल टू कंप्लीट दिस समर पैक ऑफ इंग्लिश. सो क्लास, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, योर टीचर्स, योर एल्डर्स. स्टे हैप्पी. अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय क्लास. See you soon.